तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है उनकी हेल्थ के ऊपर तो काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ जो होने वाला बच्चा होता है उसकी हेल्थ पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रिकी और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें। चलो भाई दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी ऐसी महिलाएं रहती हैं जो कि बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों को फॉलो करती रहती हैं, जिनकी वजह से फिर लास्ट में होता क्या है उनका जो बच्चा वगैरह होता है वो काफी ज्यादा कमजोर या बहुत ज्यादा उसके ऊपर उन सारी चीजों के इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो रहती है सही ढंग से ना सो पाना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है एंड्रॉइड का जमाना है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चल ही रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी महिलाएं एंड्रॉइड मोबाइल पे चिपकी रहती हैं और रात रात भर उस पे सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या उन लोगों को सही ढंग से नींद मिल नहीं पाती जो कि उनके घर में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर कोई भी महिला सही ढंग से नींद पूरी नहीं करेगी तो उसका सीधा साधा इफेक्ट उसके होने वाले बच्चे पे देखने को मिल जाता है बड़ी आसानी के साथ में, साथ ही साथ उस बच्चे का सही ढंग से डेवलपमेंट होता नहीं है। एक प्रेग्नेंट महिला को कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे तक कम से कम सोना चाहिए, मगर महिलाएं करती क्या है अपने मोबाइल में लगी रहती हैं, लेट नाइट तक सोती हैं और फिर सुबह जल्दी उठना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों की नींद पूरी नहीं होती और सीधा साधा इफेक्ट उनके ऊपर तो होता ही होता है, साथ ही साथ उनके बच्चे पे भी ये चीज देखने को मिल जाती है। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, खान पान के ऊपर ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान काफी सारी ऐसी चीजें खाने का उन लोगों का मन करता है जो कि उन लोगों को नहीं खानी चाहिए। तो ज्यादातर लेडीजों का ये रहता है चटपटा हो गया, फास्ट फूड हो गया, ऐसी चीजें खाने का मन करता है और ऐसी चीजें वो लोग खाते पीते भी रहते हैं। मगर आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझने चाहिए कि जो भी फास्ट फूड वगैरह रहता है उसकी वजह से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वगैरह सही ढंग से नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है तो उसको भी सही ढंग से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलते, जिसकी वजह से बच्चे की सही ढंग से ग्रोथ वगैरह नहीं होती और फिर बाद में आप लोगों को बहुत ही कमजोर टाइप का बच्चा वगैरह देखने को मिल जाता है। अब तीसरी चीज ये आती है दोस्तों कि बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जो कि धूम्रपान हो गया या फिर शराब वगैरह हो गया इन चीजों का सेवन करती रहती है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में महिलाएं मर्दों से कहीं पे भी कम नहीं है, महिलाएं पुरुषों के साथ में हमेशा ही कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में काफी सारी महिलाएं रहती हैं जिनके लिए धूम्रपान करना या फिर शराब सिगरेट वगैरह इन चीजों का सेवन करना वो नॉर्मल सी बात हो गया। तो अगर वो लोग प्रेगनेंसी के दौरान इन सारी चीजों का सेवन करते हैं तो उसका डायरेक्ट असर उनके घर में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप लोग किसी भी ऐसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो इन सारी चीजों को बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, नॉलेज का लेवल गेन हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो यार ठोको लाइक, क्योंकि लाइक तो बनता ही है, और चैनल पे भूले भटके आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। और दोस्तों दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी ख्याल, कोई भी बवाल हो कमेंट कर देना, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।